अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम है आपका तब्रेज हम यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों बात करते हैं आज की वीडियो में ओजीसी माइनिंग ऐप की। ओजीसी माइनिंग ऐप की कल ही बिग अपडेट आ चुकी थी, उसकी केवाईसी हमने करनी है। कैसे करनी है पूरे स्टेप्स आपको बताता हूँ। अपनी केवाईसी कंप्लीट करके रख लीजिए ताकि उसका फेज वन जो हमें क्लेमिंग का मिलने वाला है उसमें क्लेम करके अपना प्रॉफिट जो है आप बुक कर पाए। अगर कोई नहीं भी कर पाएगा उसका भी बताऊंगा कि किस तरह जो है सोल्यूशन है। सारा प्रोसेस इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा, आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले अगर आपको बता दूं, यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल को अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको पता लग गया होगा, एक्स्ट ब्लास्ट के बारे में मैंने अपने रिव्यूज शेयर किए हैं कि यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले ही इसके बारे में वीडियो बनाई थी कि इन्होंने कहा था रिफाइनरी मशीन हमारी लें, वो जो है आपके डब्ल्यू एक्स बी एल को आपके एक्स बी एल में करेगी कन्वर्ट। और उसके बाद जो है लिस्टिंग भी इनकी सिर्फ यूनिस्वैप पे हुई, किसी सेंट्रलाइज एक्सचेंज बड़ी एक्सचेंज पे नहीं हुई। और इसी तरह करते हुए ना, मतलब ये प्रोजेक्ट अब जो है ड्रामे लगा रहा है। मुझे तो इस पे जो है काफी जो है ये प्रोजेक्ट फिशी लग रहा है। तो मैं तो खुल के बात करता हूँ, चाहे मेरा अकाउंट ब्लॉक हो, चाहे जो है मुझे ये अपने मतलब के प्रोजेक्ट से निकाल दें, मुझे प्रॉफिट दें ना दें, मैं अपनी कम्युनिटी को सीधी बात बता देता हूँ। जैसे कि ऑलरेडी मैं इसका जो है मैंने केवाईसी करवाई थी आइस माइनिंग ऐप की अपनी कम्युनिटी को, हालांकि उसमें मना किया हुआ था, लेकिन मैं ये नहीं चाहता था कि सबके अकाउंट ब्लॉक हो। एक मेरा हो गया, चलो खैर है वो तो हो गया, आप सबके तो प्रॉफिट हो गया ना। उसके अलावा अब जैसे बाकी होते हैं, जैसे एथीन मैंने गैप है उसका भी अगर मैं आपको चेकआउट कराऊं, यहाँ पे मेरा अकाउंट जो है आजकल यहाँ पे रनिंग में नहीं है। अगर आप आके देखते हैं, मुझे लगता है ये सारे बड़े अकाउंट्स को जब जो है इन्होंने विड्रॉल इनेबल किया है ना, उसके बाद देख सकते हैं मेरा जस्ट इस तरह लिखा आता है। अगर यहाँ पे जो है मैं विड्रॉल वगैरह पे या कहीं पे क्लिक करने जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे आता है कि अपना जो है आप सबसे पहले ईमेल अपडेट करें, लेकिन जब जो है मैं ईमेल अपडेट अपने यहाँ पे जाता हूँ तो यहाँ पे मुझे यहाँ पे ईमेल का ऑप्शन ही यहाँ पे क्लिक ही नहीं होता। तो इस तरह के जो है इन्होंने सीन लगाए हुए हैं। तो जो है मैं तो खुल के बात करता होता हूँ, बाद में जो भी हो वो देखा जाएगा, लेकिन फिलहाल ये चल रहा है, देखते हैं पैकेजेस बाय करवा रहा है, तो खैर देखते हैं बाद में क्या होता है। आज जो है अपने मेन टॉपिक पे वापस आते हैं। ओजीसी माइनिंग ऐप जो कि रियल है, 100% वेरीफाइड है, इसके साथ पार्टनरशिप भी हो चुकी है और फ्री में जो है क्लेमिंग के लिए भी ये देने जा रहा है। आपको यही से समझ आ जानी चाहिए, कोई प्रोजेक्ट अगर फ्री में जो है आपको प्रॉफिट देने लगा हो क्लेम करवाने के बाद, केवाईसी तो करवाता ही करवाता है या नेटवर्क फीस लेता है, तो वो जो है नेटवर्क की फीस होती है वो तो लगती है, केवाईसी वगैरह तो हर प्रोजेक्ट लेता ही है। उसके अलावा अगर कुछ एक्स्ट्रा मतलब हमें पैसे दें, हमारी मशीन बाय करें, हमारे पैकेजेस बाय करें, इस तरह के सीन लगाता है, तो वो उस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा समझ जाया करें कि ये जो है दूसरी तरफ निकलने की ट्राई कर रहा है, कम्युनिटी को जो है जरा बेवकूफ बनाने की ट्राई कर रहा है, वो पतली गली से निकलना चाह रहा है, तो उसको निकलने ना दिया करें। तो सिंपल जो है यहाँ पे सबसे पहले तो आप माइनिंग करते रहते हैं, आपने इसको ज्वाइन करना है तो आपको लिंक जो है प्रोवाइड कर दूंगा यहाँ पे टेलीग्राम चैनल में, यहाँ पे आके जो है सिंपल इसको ज्वाइन कर लीजिए। सबसे पहले जो है वो हम न्यूज देख लेते हैं। एक तो इनका जो है यहाँ पे ट्विटर हैंडल जो है सस्पेंड हो गया है, तो इन्होंने हेल्प मांगी है। अगर आप हेल्प आउट इनको करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके जो है इनके बारे में ट्वीट कर सकते हैं, वो इन्होंने बताया हुआ है ऑलरेडी। और एलोन मस्क का भी मेंशन किया हुआ है कि इनके ट्विटर में जो है कुछ बग वगैरह है, तो काफी सारे ट्विटर अकाउंट बैन हो रहे हैं और अनबैन भी नहीं हो रहे, इनकी हेल्प करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाके जो है इन्होंने कुछ टेक्स्ट दिया हुआ है उसको जो है ट्वीट कर सकते हैं, तो इनका अकाउंट जो है अनब्लॉक हो जाए। इसी तरह इसके कोई इशू नहीं पड़ता, अवाइव का भी हुआ था इसी तरह, लेकिन बाद में जो है रिकवर हो गया था, तो देखते हैं रिकवर होता है नहीं होता। तो न्यू तो ये सिंपल ये बना लेंगे, लेकिन जो है अब हमारे पास जो है इन्होंने पार्टनरशिप जो की है, एक नेक्स्ट पार्टनरशिप हुई है हैश की ग्लोबल के साथ। हैश की ग्लोबल अब हमारे पास क्या है, हैश की कैपिटल आपको पता है कि ये जो है जिस तरह बाइनांस लैब्स फंड है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो है इन्वेस्टमेंट करता है और बाद में जब वो लॉन्च होते हैं तो उससे अपना प्रॉफिट निकालता है, इसी तरह हैश की कैपिटल भी था जो डिफरेंट प्रोजेक्ट में जो है हमारे पास इन्वेस्टमेंट करता है और वहां से प्रॉफिट बुक करता है। काफी ये बड़ा नाम था मार्केट में। इन्होंने जो है हैश की ग्लोबल के नाम से अपनी एक्सचेंज जो है सिंपल लॉन्च कर दी है और इनकी पार्टनरशिप ओजीसी कम्युनिटी के साथ हुई है। तो अब जो है इन्होंने कहा है कि अगर आप केवाईसी करेंगे हैश की कैपिटल एक्सचेंज पे तो वो आपकी केवाईसी गिनी जाएगी इसी पे, मतलब आपकी ओजीसी कम्युनिटी की जो ओजीसी माइनिंग ऐप की केवाईसी है वो लिंक हो रही है हैश की कैपिटल के साथ। जो बंदा भी इसी ईमेल एड्रेस से जिससे आपने जो है ओजीसी का अकाउंट बनाया हुआ है उसी ईमेल से आपने जो है हैश की कैपिटल पे अकाउंट बनाना है और हैश की कैपिटल एक्सचेंज पे जो है सॉरी हैश की ग्लोबल मैं कैपिटल कह रहा हूँ हैश की ग्लोबल एक्सचेंज पे जो है आपने अकाउंट बना के जो है वहां पे केवाईसी करनी है तो आप जो है क्लेम कर पाएंगे फेज वन में। तो किस तरह करना है, हाँ एक बात यहाँ पे इन्होंने ये भी मेंशन किया है कि अगर आप जो है वहां पे साइन अप करेंगे तो 25 टोकन आपको एक्स्ट्रा भी दिए जाएंगे, 25 टोकन जो आपको माइनिंग से हटके होंगे वो भी मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आपको जो है बताया गया है कि जैसे इंडिया है या बांग्लादेश यहाँ पे बहुत सी जो एक्सचेंजेस बैन है, तो अगर आपकी कंट्री में हैश की ग्लोबल बैन है वर्क नहीं कर रही
तो ये इन्होंने कहा है कि अल्टरनेटिव मेथड भी हम निकालेंगे, लेकिन अभी तक बताया नहीं है कौन सा निकालेंगे, लेकिन इन्होंने कहा है निकालेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना, आपको सिर्फ फिर वेट करना है अगर आपकी कंट्री में जो है ये एक्सचेंज वर्क नहीं कर रही। अगर कर रही है तो आपको क्या करना है, सिंपल जो है यहाँ पे जाएंगे और इनके जो है पार्टनरशिप वाला जो पार्टनर एप्स वाले जो ऑप्शन है ना, यहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो सिंपल जो है यहाँ पे आपको जो है ऊपर ऊपर यहाँ पे दूसरे तीसरे नंबर पे आ जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इस पे क्लिक किया हुआ है, क्लेम किया हुआ है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है यहाँ पे क्लेम में जो है लास्ट पे आ रहा है, ये देख सकते हैं मेरा क्लेम्ड आ रहा है। आपने इस पे क्लिक करना होगा, इस पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है सबसे पहले यहाँ पे जो है ईमेल पासवर्ड देने के बाद जो है यहाँ पे कहा जाएगा कि आपने अकाउंट बनाना है। तो आप जैसे ही आप ईमेल पासवर्ड देने के बाद यहाँ पे अकाउंट बना लेंगे, यहाँ पे ईमेल देंगे पासवर्ड देंगे, आपको जो है कोड जाएगा आपकी ईमेल एड्रेस पे, वो कोड आके जस्ट जो है आप इंटर करेंगे। जैसे ही कोड इंटर करेंगे तो आपको कहा जाएगा कि एक जो है एपीके फाइल आपने जो है डाउनलोड करनी है। तो सिंपल ये देख सकते हैं कि इस तरह की थी, मैंने एपीके फाइल जो है ऑलरेडी डाउनलोड की हुई है। तो ये मेरा रिफ्रेश हो गया, यहाँ से जो है मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे डाउनलोड वाले सेक्शन में जो है, यहाँ पे डाउनलोड वाले सेक्शन में चलते हैं और यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आप आके देख सकते हैं कि यहाँ पे ये मैंने जो है यहाँ पे डाउनलोड की, आपको ऑप्शन जैसे है आपने डाउनलोड की, डाउनलोड करने के बाद जो है हमने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल भी किया हुआ है। अब यहाँ पे क्लिक करते हैं पैकेज इंस्टॉल पे, क्लिक करने के बाद जस्ट वन पे क्लिक करते हैं तो आपका ये जो है इंस्टॉल हो जाता है। अब मेरा जो है अपडेट का ऑप्शन आ रहा है तो मेरा जो है यहाँ पे अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद जो है सिंपल हम इसको कर लेंगे ओपन। आपके पास जैसे ये ओपन हो जाए उसके बाद आपने जिससे ईमेल एड्रेस से आपने ओजीसी वाली ईमेल एड्रेस लगाई होगी ना, उसी से आपने इसको जो है लॉगिन करना होगा। इसको ओपन करने के बाद हम जो है अब साइन इन करेंगे, हमारे ऑलरेडी साइन अप हो चुका है अकाउंट, हम अब करेंगे इसमें साइन इन। तो यहाँ पे हमारे पास एक कैप्चा आ चुका है, जैसे हमने लॉगिन पे क्लिक किया अपना ईमेल पासवर्ड देने के बाद, तो यहाँ पे हम इस तरह मतलब ये हमारा जो है यहाँ पे सांप जो है पहले नंबर पे दिखाई दे रहा है, दूसरे नंबर पे हमारे पास चेयर टाइप है, तीसरे नंबर पे बाजा है। तो हम इसी हिसाब से कर लेंगे, पहला ये है, दूसरा ये, तीसरा ये। तो इसी तरह जो है ये वाला कैप्चा हमारा सॉल्व हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास फर्दर हमें जो है कोड आना चाहिए या हमारी लॉगिन हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास कोड आता है कि लॉगिन हो जाती है। तो वेरिफिकेशन कोड गया है हमारी ईमेल एड्रेस पे, वहां से जाके जो है यहाँ पे एंटर करते हैं। तो ये वेरिफिकेशन कोड हमारा आ चुका है यहाँ पे। वेरिफिकेशन कोड जो है सिंपल मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे आने के बाद जो है इसको जो है सिंपल यहाँ पे मैं पेस्ट करने जा रहा हूँ। तो सिंपल हमने किया यहाँ पे पेस्ट, जो भी एरर वगैरह अगर कुछ आता है तो यहीं पे हम देखेंगे, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे जो है हमारी लॉगिन हो गई है, हमारा अकाउंट लॉगिन हो चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि वेरीफाई नाउ का ऑप्शन भी हमें डायरेक्ट यहीं पे दे दिया गया है, या अगर आप इसको कट भी कर देते हैं तो यहाँ पे भी आपका जो है कंप्लीट केवाईसी स्टार्ट योर फर्स्ट ट्रेड। तो यहाँ पे आप वेरीफाई नाउ पे आप क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे आएंगे, आपने यहाँ पे केवाईसी कैसे करनी है, आईडी प्रूफ अपलोड करना है, लाइवनेस चेक करेंगे ये आपकी। तो वो किस तरह होगी, वो आपके सामने जो है वीडियो रिकॉर्ड होगी, अभी मैं आपके सामने करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। एड्रेस प्रूफ जो है आपने अपलोड करना है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन करनी है। सबसे पहले जो है आपको जो है यहाँ पे वेरीफाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो है ये फोन नंबर पूछ रहा है, तो हम जो है यहाँ पे अपना फोन नंबर लगाएंगे और यहाँ पे एक कोड जाएगा हमारे फोन नंबर पे, वो यहाँ पे हम जस्ट इंटर करेंगे, ये हम करते हैं। तो हमने अपना फोन नंबर जो है यहाँ पे इंटर कर दिया है, आगे हमने वो कोड हमारे फोन नंबर पे जो है उसी नंबर पे कोड आया है वो हमने इंटर किया है और ओके पे क्लिक किया है। और यहाँ पे जो है वो कह रहा है यूनाइटेड स्टेट से है या अदर से, हम अदर पे क्लिक करेंगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे जो जो चीज हमसे पूछा जा रहा है वही करते जाएंगे। आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, आपने अपना आधार कार्ड जो आपका आईडी कार्ड होता है उसकी जो है आपने फोटो क्लिक करनी है, फ्रंट भी होपफुली हमसे मांगेगा, बैक भी, आपने वो पिक्चर क्लिक करनी है और बिल्कुल उजाले में, बिल्कुल आपका कह लेना रोशनी जहां पे हो, अच्छी रोशनी हो, और वहां पे आपने करनी है, ब्लर पिक्चर आपने नहीं करनी। उसके बाद सेल्फी भी हमसे मांग रहा है, तो एक सेल्फी लेगा, वो सेल्फी भी हम यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे जो है हमने नेक्स्ट पे क्लिक किया है, तो हमारे पास यहाँ पे पासपोर्ट या आईडी कार्ड से करने का कह रहा है, तो हम आईडी कार्ड यहाँ से सिलेक्ट करते हैं। तो हमने अपने आईडी कार्ड की फ्रंट और बैक पिक्चर सबसे पहले की, उसके बाद जो है हमें जो है सेल्फी का बोला गया, हमारा जस्ट जो है हमने स्टार्ट पे क्लिक किया तो हमारे सामने एक ओवल टाइप जो है सर्कल आया और उसमें जो है हमें यहाँ पे बताया गया कि अपनी जो है सेल्फी एंटर करें। उसके बाद वो हमने की अंडर रिव्यू में रहा और आपके सामने ही जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, कुछ देर बाद ही हमें नेक्स्ट पे खुद ब खुद ये रीडायरेक्ट कर दिया, एक से दो मिनट में हमारा जो है डाटा वेरीफाई इन्होंने कर लिया। बाकी इन्फॉर्मेशन तो ये सारी आपकी ठीक तरह से पिक कर लेता है, जैसे ये कर लेगा तो यहाँ पे आपसे एक लास्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने जो है आप कोई एम्प्लॉय वगैरह तो नहीं है हैस्की ग्लोबल एक्सचेंज के दफ्तर वगैरह में, तो आपने नो पे टिक करने के बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है।
तो जैसे ही आप ये कर लेंगे, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है आपसे आपका जो है सिंपल कंट्री रीजन पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं परमानेंट रेजिडेंस एड्रेस वो अपना डालना है और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी यहाँ पे आपने जो है अटैच करना है। तो ये किस तरह करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे सर्च कर लेंगे अपना एरिया कोड जो है। यहाँ पे जैसा कि अगर मैं सपोज करो कि पाकिस्तान में हूं तो यहाँ पे मैं पाकिस्तान सेलेक्ट कर लूंगा। आप जिस भी कंट्री में हैं वो आप जस्ट सेलेक्ट करेंगे और प्रूफ ऑफ रेजिडेंस यहाँ पे आने के बाद जो है आप इनमें से कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बिल यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट कर सकते हैं या आप अदर कोई और भी यहाँ पे जो है देना चाहते हैं तो वो दे सकते हैं जस्ट, और उसके बाद जो है सिंपल यहाँ पे फर्दर आगे जा सकते हैं। तो यहाँ पे एक जो है मेरे पास पिक्चर थी, मैंने अपना प्रूफ ऑफ रेजिडेंस कोई भी आप यहाँ पे एंटर करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जो है सिंपल हमारे पास जो है यहाँ पे कुछ और चीज़ें पूछी जा रही हैं, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, और ये जो है आप जो है जस्ट यहाँ पे आने के बाद ना आप सेल्फ एम्प्लॉयड, रिटायर्ड या स्टूडेंट, स्टूडेंट पे मैं दे देता हूँ। उसके बाद जो है यहाँ पे आपकी लेवल ऑफ एजुकेशन क्या है, तो यहाँ पे बैचलर और अबव क्योंकि मैंने बैचलर किया हुआ है। उसके बाद जो है यहाँ पे नेट एसेट टोटल यूएसडी वैल्यू, तो यहाँ पे जो है आप 0 से 2 मिलियन जो है दे सकते हैं, हमारी इससे तो नहीं है, 0 से 2 मिलियन देनी पड़ेगी। इनिशियल सोर्स ऑफ फंड, तो यहाँ पे जो है सैलरी या कोई भी यहाँ पे इनकम और सेविंग पे मैंने दे दिया है। उसके बाद जो है सिंपल यहाँ पे हमारा सोर्स ऑफ वेल्थ क्या है वो जो है हम यहाँ पे दे देंगे, तो यहाँ पे हम जो है वही जो हमने एंटर किया है, तो यहाँ पे सेविंग्स वगैरह तो यहाँ पे ये कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है सिंपल उन्होंने कहा है कि यूजर्स के लिए मैं जनरेटिंग इनकम का ये वाला दे रहा हूँ, आप जो भी अपना देना चाहें। यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हमारे पास जो है ये सिग्नेचर वेरीफाई करवा रहा है। यहाँ पे जो है वो कह रहा है कि अपना नाम आपने जो है सिंपल एंटर करना है, तो यहाँ पे मैं अपना जो है सिंपल नेम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपने सिग्नेचर जस्ट जो है कर लेने हैं अपने, तो यहाँ पे मैंने अपना जो है नाम यहाँ पे इनको जस्ट लिख दिया है। उसके बाद जो है सिंपल सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरा जो है सिंपल यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारी अंडर रिव्यू में चली गई है, तो यहाँ पे हमारी देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारी रिजेक्ट हो चुकी है। क्यों रिजेक्ट हुई है, क्योंकि मैंने प्रूफ ऑफ रेजिडेंस जो दिया है वो सही नहीं है, क्योंकि मैंने जो है अपना आईडी कार्ड ही वहां पे एंटर कर दिया था, लेकिन इनको जो है एक्चुअल चीजें चाहिए, एक्चुअल वेरीफाई। तो आपके अगर बैंक स्टेटमेंट है तो वो दीजिएगा, या उसके अलावा जो भी आप जो है आपके पास हो वही आपने जस्ट एंटर करनी है, उसके अलावा आप कोई ऐसी वैसी नहीं कर सकते। तो उसको जो है सिंपल हम यहाँ पे जाने के बाद जो है सिंपल यहाँ पे मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पे आने के बाद ना इसको हम जस्ट जो है दोबारा से एंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो है ये हो जाएगा। प्रोसेस यही है, जस्ट जो है आपने चीजें वेरीफाइड करनी है यहाँ पे, क्योंकि देखें मैंने वही पिक्चर जो अपनी जो है आईडी कार्ड की थी वही सेंड किया तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। वो जैसे ही मैं अपना जो है बिलिंग एड्रेस या कोई भी एंटर करता हूं जो कि हमारा वेरीफाई है तो उस पे जो है हमारा ये हो जाएगा। बस यही प्रोसेस है, ये कर लीजिए और आपको ओजीसी क्वाइन जो है यहाँ पे क्लेम करने के लिए फर्स्ट बैच में आपको मिल जाएंगे। और अगर यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दूं तो मुझे लगता है कि ओजीसी क्वाइन जो है लिस्ट भी इसी एक्सचेंज पे शुरू शुरू में होगा और इसी एक्सचेंज पे हम सेल भी कर पाएंगे। फिलहाल इतना ही है, नेक्स्ट कोई भी इसका प्रोसेस जो है वो बताऊंगा। फिलहाल इतना कर लीजिए, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।